लॉकडाउन के चलते बाकरगंज की ईदगाह में रहा सन्नाटा, ईदगाह पर नहीं हुई नमाज, पुलिस रही मुस्तैद, ईदगाह कमेटी ने भी दिया सहयोग। बरेली, देश भर आज ईद का त्योहार सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज घरों में अदा की। बाकरगंज की ईदगाह में सुबह से ही पुलिस तैनात रही। सीओ सीमा यादव भी ईदगाह पर स्थिति पर नजर रखे रही। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष खलील अहमद ने बताया कि जिला प्रशासन को पूरा सहयोग किया जा रहा है। शहर काजी के हुक्म का पालन करते हुए इस बार ईदगाह में कोई कार्यक्रम नहीं करने का फैसला लिया गया है और लोगों की सलाह दी कि वो अपने अपने घरों में रहे और घर पर ही नमाज अदा करे, इसमें कौम की भलाई है। आज बरसों के बाद बाकरगंज की ईदगाह में सन्नाटा छाया रहा। मेरा नाम खलील अहमद है। आज जो ईदगाह पे नमाज पढ़ जाती है, मैं ईदगाह का कमेटी का अध्यक्ष हूँ और ईदगाह की नमाज के लिए शहर काजी हिंदुस्तान ने रात मना कर दिया। तब हमने इस बीमारी के चक्कर में उन्होंने मना किया कि हमारी कौम पे कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आए, या कोई जैसे तबलीगी जमात के लिए मुद्दा उठाया गया, इसी सूरत से हमारी कौम के लिए अगर कोई मुद्दा उठाया जाए तो मुनासिब नहीं, और इस लिहाज से नमाज को कैंसिल किया गया। नमाज ये ऐलान किया शहर काजी ने कि अपने अपने घरों पे नमाज पढ़ें और चर्च की नमाज पढ़ लें और अपने अपने घरों पे रहें, दूरी बना के रहें, ना किसी से गले मिले, और सारा प्रशासन हमारे साथ में है और फुल प्रशासन ने हमारी यहाँ पर देख रेख की है और ना ही किसी के हम दौर दबाव में, ना कोई प्रशासन का हम पे दबाव है, जिससे कि हमें किसी प्रशासन ने ये कहा कि आप नमाज ना कराइए। हमने ताज शरिया के बेटे साहब के हुक्म से ये नमाज रद्द करी गई है। कितने वर्षों से ये नमाज पढ़ी जाती थी यहाँ पर? ये तो परंपरा चली आ रही, हमारे बुजुर्गों से चली आ रही। साहब हमें जो मुतवल्ली बने हुए हुए हैं 7 साले हो गई, हमसे पहले और कमेटियां हैं, उन्होंने नमाज की अदायगी कराई और हम छोटे छोटे थे तब से हम नमाज पढ़ने अपने वालिद साहब के संग में आते थे। इस तरह का पहली बार हुआ है? जी पहली बार हुआ। ये कोरोना चक्कर में जो हैगा बीमारी चल रही है, इस चक्कर में यहाँ पर ये वैसे नमाज होती, कितने लोगों भीड़ होती थी? लगभग कम से कम 5,000-7,000 आदमी हो जाता था। इस बार जी इस बार तो साफ सुना पड़ हुआ है, हमारा दिल रो रहा है कि हमें नमाज की अदायगी नहीं हुई है। ये बीमारी अल्लाह ताला हमारे यहाँ से इस बीमारी को दूर फरमाए और ये सारी बीमारी जो है यहाँ से दूर हो जाए। अल्लाह ताला इसको हर मुसलमान, हर देशवासी के लिए सब मुसलमान दुआ करी कि ये बीमारी अल्लाह ताला उठा दे यहाँ से। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।